क्या वाकई रियल लाइफ मुंबई की कहानी को ही अपनी फिल्म में दिखाने जा रहे हैं रोहित शेट्टी? अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को क्यों बताया जा रहा है अभी के समय के लिए रेलेवेंट? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राज स्टूडियोज में। सिंघम 1 एंड 2 और सिम्बा के बाद अब कॉप यूनिवर्स की 4th इंस्टॉलमेंट सूर्यवंशी आने वाली है। रोहित शेट्टी की काफ़ी समय से चर्चा में है रही फिल्म सूर्यवंशी फाइनली 30 अप्रैल को रिलीज होने को तैयार है। अक्षय, कटरीना स्टारर इस लॉन्ग टाइम अवेटेड फिल्म को आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद रिलीज डेट मिल ही गई है। वो कहते हैं ना, फिल्म समझ का आना होता है, तो अब इसे कोइंसिडेंस नहीं कहे तो और क्या कहे। फिल्म रिलीज भी अब होने वाली ही है, जब रील की तरह ही रियल लाइफ मुंबई में भी तलखला मचा हुआ है और इस तूफान को शांत करने की सारी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के कंधों पर ही है। रोहित की ये फिल्म किस तरह से उनकी देजा वो पावर को प्रूव करता है, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि हम जानते ही है कि 25 फरवरी की तारीख को देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी में जानलेवा जेलेटिन स्टिक्स बरामद हुए थे, जिसके बाद पूरे मुंबई पुलिस फोर्स की काबिलियत पर सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि कमिश्नर को भी डिमोशन मिल गया और इस पूरी साजिश में पुलिस फोर्स और पॉलिटिक्स से जुड़े आदमियों का नाम सामने आने लगा और ये साजिश गहराई तक चली गई है। इस केस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब अगर देखें तो फिल्म की कहानी को तो इसमें भी कोहरम का करण बॉम्ब भी है मुंबई में ही, और जाहिर है फिल्म में भी इस इंसिडेंट के बाद पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाए जाएंगे और शायद इसमें भी पॉलिटिक्स और पुलिस से जुड़े ही कई लोगों की साजिशों के खुलासे होंगे और अल्टीमेटली एंटीवायरस स्क्वाड के ACP वी सूर्यवंशी को बाजीराव सिंघम और सिम्बा की हेल्प से इस पूरी साजिश से मुंबई और अपने परिवार को बचाना होगा और पुलिस के ऊपर उठे इन सवालों का जवाब देना होगा। तो हुई ना फिल्म की कहानी भी काफ़ी कुछ रियल लाइफ से कनेक्टेड। अब इस कनेक्शन का फिल्म पर पॉजिटिव असर पड़ता है या नेगेटिव, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कवरेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है उपासना पांडे।